हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ जयति मित्रा, स्पेशल एजुकेशन टीचर निपेश सिकंदराबाद। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड का मतलब जब दोनों अलग अलग वर्ड रहते हैं, सिंगल सिंगल वर्ड। जैसे इसमें है मैन, इसमें है पोस्ट। पोस्ट का अलग मीनिंग रहते हैं और मैन का अलग मीनिंग रहते हैं। दोनों अलग अलग वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड जब जुड़ जाते हैं तो एक थर्ड वर्ड वाला मीनिंग वाला वर्ड बनते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। कभी कभी कोई कोई वर्ड कंपाउंड वर्ड में भी आप लोगों को लगेगा बच्चे को सिखाने के टाइम, या तो बच्चा जब सीखते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि पेयरिंग वर्ड के साथ। जैसे पेयरिंग वर्ड में हम लोग बोलते हैं कप प्लेट, और अभी ये कप प्लेट मिला के कोई वर्ड नहीं है। कप अलग सा वर्ड है, प्लेट अलग वर्ड है, पर कप प्लेट मिला के कोई एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग बना नहीं सकते। पर यहाँ जैसे हम लोग दिखा सकते हैं, और एक जैसे बुक शेल्फ, बुक अगर इसको अलग किया जाते हैं कि बुक अलग सा एक वर्ड है, शेल्फ अलग सा एक वर्ड है, अलग अलग मीनिंग है। जब ये दोनों मिलके मिल जाते हैं तब एक तीसरा मीनिंग बनते हैं कि बुक शेल्फ। एक शेल्फ है जहाँ बुक रखना, जो बुक रखने के लिए यूज होते हैं। तो ये डिफरेंस बच्चे को हम लोग सिखाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे लेटर बॉक्स, स्कूल बैग, बेडरूम, टेबल स्पून, ऑयल लैम्प, पोस्टमैन, बुक शेल्फ, स्कूल बस, बास्केटबॉल, ब्लैक बोर्ड, आइसक्रीम, की होल, हनी बी, हाउस बोट, बटरफ्लाई, पैनकेक, चेयरमैन, सनफ्लावर, कैटफिश, टी कप, वाटर कलर, टूथब्रश, फुटबॉल, डोरबेल, टी पॉट। तो ऐसे करके हम लोग बच्चे को एक्सप्लेनेशन देंगे, एग्जाम्पल देंगे। जब बच्चा पहले स्टार्टिंग में कर नहीं पाते हैं, उसको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होते हैं, विजुअल प्रॉम्प्ट की, तब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको दिखा सकते हैं कि देखो इसमें है बास्केटबॉल ऐसे, तो हम लोग अलग दे सकते हैं मिक्स करके। तो इसमें से वो देख के, पहले स्टार्टिंग में अगर उसको कन्फ्यूजन है तो वो देख के, ऐसे देख के उसको बना सकते हैं, ये दो में से कौन सा वाला है। अच्छा, ये बास्केटबॉल। तो उसको जब तक उसको रीडिंग नहीं आते हैं तब हम लोग ऐसे उसको पिक्चर मैचिंग के थ्रू, ये पिक्चर के साथ वो मैच करके यहाँ से ढूंढ के वो निकाल के रख सकते हैं। ऐसे करके उसको अटेंशन डेवलपमेंट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अटेंशन इंक्रीजमेंट होते हैं, साथ साथ में उसको ये स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, सब ये डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट स्किल्स भी एनहांसमेंट होते हैं ये कंपाउंड वर्ड कॉन्सेप्ट के साथ। आगे जाके ये पर्टिकुलर वर्ड को वो देख के अपने कॉपी में भी लिख भी सकते हैं, तो मल्टी सेंसरी यूज के साथ वो कंपाउंड वर्ड को लर्न कर सकते हैं, और लॉन्गर मेमोरी के लिए ये रिटेंशन होगा उसके दिमाग में। और पर्टिकुलर ये वर्ड को रिपीट करते जाना, जब ये वर्ड उसको आ जाते हैं तो दूसरा नया वाला वर्ड उसके लिए, कंपाउंड वर्ड उसके लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे स्लोली। थैंक यू।